I'm hitting. هذه بلد مسلم صح؟ ليش هذا اهل؟ هذا بلد مسلم صح؟ اي مو من كافر صح؟ اوكي انت مسلم؟ انا مال كفر صح ولا لا؟ هذه ديرة حمد بن عيسى. حمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب من أباك شوف منو اللي يعبد الأصنام هني. لا هو الكبير الكسري اللي بيبرهن كسر الكبير فيهم بعد. يلا أبي الشرطة. مال هندوس تقول بعد. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. सारी जिंदगी हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों को ये अरब लोग शिर्क से नफरत करना सिखाते रहे, लेकिन अब इनकी नई नस्लें देखें कि हुक्मरान अपनी जेरे साया अपनी सरपरस्ती में बुत और मंदिर तामीर करवा रहे हैं, जो सबसे बड़ा शिर्क है। बहरीन से मौसूल होने वाली इस वीडियो में जो बहन नजर आ रही है, ये बहरीन की वीडियो है और उसमें एक दुकान पे हिंदू मूर्तियां रखी हुई थी जो हिंदू भगवान है, तो इन्होंने वो तमाम मूर्तियां तोड़ दी और कहा कि ये मुसलमानों का मुल्क है, काफरों का नहीं। मैं देखती हूँ कि कौन इसकी यहाँ पे इबादत करता है। उस खातून ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि क्या हमद बिन ईसा यानी कि जो बहरीन के किंग हैं, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये यहाँ पे आए। तो अब जाहिर बात है कि ये जो कुछ भी हुआ ये हुकूमत की इजाजत के बाद ही मुमकिन हुआ कि ये मूर्तियां यहाँ पे बेचने के लिए रखी गई हैं। इस खातून को जो बहरीनी नेशनल है, इसको यकीनी तौर पे पकड़ लिया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बुत यहाँ पे हुकूमत की इजाजत से आए थे या नहीं, जो सूरत हाल भी हो, लेकिन जो बिहेवियर इनकी जानिब से था उस पे बहरकैफ कानून अपना अमल दरामद तो जरूर करेगा। लेकिन सलाम है इस बहन के जज्बे को कि जिसने अपनी हिम्मत और बिसात के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर किया। आप इस वीडियो के मुतालिक क्या ख्याल करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।